اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हरमत सहाबा व अहल बैद रिजवानल अज़माइन के वान के तहत मन्क़द हुआ है इस इसनवान का जो बुनियादी पैगाम है वो पैगाम ये है कि सहाबा भी मोहतरम हैं और अहल बैद भी मोहतरम हैं। इस्लाम ने हमें दोनों का अहतराम करने दोनों से महब्बत करने और दोनों की मोहब्बत को अपना दीन और ईमान समझ कर जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है यह बुनियादी मसला हम और आप अच्छी तरह से याद रखें कि सहाबा से मोहब्बत करने का कहीं ये मतलब नहीं है कि खानदान रसूल आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक तलफी की जाए या उनकी गुस्ताफी की जाए या उनकी शान में किसी किस्म की कमी की जाए उनके लिए दिल में किसी किस्म का गलत जज्बा रखा जाए यह भी मतलब नहीं है और वहीं अहल सुन्नतव जमात के पास आले से मोहब्बत का मतलब आले बैत रसूल से अकीदत का मतलब यह भी नहीं है कि सहाबा कराम से किसी किस्म की नाराजगी या से किसी किस्म की दुश्मनी की बात की जाए ये दोनों साथ थे साथ हैं और अहल सुन्नत इन दोनों को तस्लीम करते हैं। तारीख़ इस्लाम में ये गिरोह शिया का हुआ राफिदी शिया जिन्होंने आलेज से महबत का मतलब ये बताया कि जब तक सहाबा से दुश्मनी नहीं करोगे आले बैज से मोहब्बत तुम्हारी सच्ची नहीं होगी और इनके मुकाबले में नवासिब यह ऐसा ग्रोह था जिसने आले बैत रसूल से दुश्मनी को अपना दीन बना लिया था हम अहल सुन्नत वजमायत का जो मौकफ़ है हम अहल हदीसों का जो मौक़ है वो वही है जो किताब सुन्नत में हमें बताया गया कि हमें सहाबा से भी महब्बत करनी है हमें आले बहते रसूल से भी महब्बत करनी है हाशिन की रामी मेरा अपना जो अनवान है उसवान का इस बुनियादी मसले से असल में ताल्लुक़ है वो मसला क्या है तारीख़ इस्लाम में आप जानते हैं हजरत अलीब ने अभी तालिबर तु की खिलाफत में दो बड़ी जंगे हुई जंगें तो कई हुई लेकिन दो जंगें बड़ी मशहूर हुई एक जंग जमल और दूसरी है जंगे सिफीन जंगे जमल और जंगे सिफीन ये दो जंगे हुई आपको में से जो हजरात पढ़े लिखे हैं या आपने इस मौजू को पहले सुना है उनको ये बात मालूम होगी कि, कि कुछ शरपसंदों ने बगावत करके हजरत ओस्मान रदील्ला तैनों को शहीद कर दिया हजरत ओस्मान गनी रदील्ला तैनो को कुछ लोगों ने शहीद कर दिया बगावत करके अब मसला ये हुआ कि उसके बाद लोगों ने हजरत अली को जब मंतखब किया तो हजरत अली इब ने अभी तालि तन के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मुसलमानों में जो इंतशार की फजा पैदा हुई है उसे खत्म करके खिलाफत को मजबूत करना मुसलमानों की जमात को मजबूत करना इज्त को मजबूत करना और उसके साथ साथ हजरत अली की यह भी जिम्मेदारी थी कि हजरत उस्मान को शहीद करने वाले खलीफा वक्त को शहीद करने वाले और अल्लाह के नबी वसल्लम के दामाद को शहीद करने वाले जो जालिम थे उनको गिरफ्तार करके उनको भी सजा देना यह भी हज़रत अली की जिम्मेदारी थी हजरत अली ने अभी तालि रदी अल्लाह तु खलीफा बना दिए गए उस वक्त हजरत मुआविया रदी अल्लाह तैन मुल्क शाम के गवर्नर थे और उसके साथ साथ हजरत उस्मान के खानदान से हजरत मुआविया और खानदान के सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में रहने वाले शख्स की हैसियत से और करीबी रिश्तेदार होने की हैसियत से कुरान में अल्लाह ताला ने मज़लूमन मघलूमन फकतली ही सुल्ताना जो शहीद कर दी जाए कर दिया जाए मजलूम बनाकर उसके वली को हमने सुल्तान यानी हमने इख्तियार दिया है इस आयत की रोशनी में हजरत मुआविया समझते थे मैं जिम्मेदार हूं कि हजरत उस्मान के खून का बदला लेने का मतालबा करो अब ये जो मसला था इस मसले को लेकर असल में एक इख्लाफ हुआ वो इख्तलाफ क्या था इख्तलाफ ये था कि हजरत अली राय रखते थे, थे। हजरत अली की सोच थी उनकी समझ थी उनका इश्तेद था कि सारे मुसलमानों को पहले मेरे हाथ पे बैहत करके सारे मेरे हवाले हो जाए मेरी जिम्मेदारी में आ जाए तो क्या होगा मरकज खिलाफत मजबूत हो जाएगा फिर शरपसंदों को पकड़ के सजा देना आसान हो जाएगा शरपसंदों को गिरफ्तार करना मुमकिन हो जाएगा अगर खिलाफत मजबूत हो जाए इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह चाहते थे कि हजरत मुआविया जो गवर्नर हैं वो भी मुल्क शाम के लोगों की नियाबत करते हुए आपकी बयाद को कबूल करके आपके ताबे हो जाए हजरत मुआविया का समझ ये थी कि नहीं हजरत अली को पहले कातिली ने उस्मान का बदला लेना चाहिए इसलिए कि अगर मैं पहले बैत कर लूँगा तो फिर मैं हाकिम के हुक्म के ताबे हो जाऊँगा इसलिए हजरत अली हजरत मुआविया ये मुतालबा रख रहे थे कि हजरत उस्मान पहले कातिली ने उस्मान से बदला ले फिर मैं उसके बाद हजरत अली के हाथ पे बैत करूंगा हजरत मुआविया ने हजरत अली के मुकाबले में खिलाफत का दावा नहीं किया ना अपने आप को उनके बराबर का टक्कर का हुक्मरान मानते थे बस इसी मसले पे इख्तिलाफ हुआ यही मसला जंग जमल का भी सबब बना जंग सिफीन हजरत मुआविया और उनके साथी हजरत अली और उनके साथियों के दरमियान हुई उससे पहले जंग हुई हजरत जंग जमल ये हजरत अली और उनके साथी और दूसरी तरफ माई आयशा सिद्दीक और तैना हजरत तल्हा और हजरत जुबैर ये तीन जलील साहब और इनके साथियों के दरमियान जंग हुई यानी जंग जमल में एक तरफ हजरत अली और उनके साथी और दूसरी तरफ हजरत आयशा हजरत तलहा और जुबैर और उनके साथी ये तीन लोग और उनकी जमात इन दो के दरमियान जंग हुई हाजी ने गिर आज का मेरा जो ओनान है असल में इन्हीं जंगों से मुतलित कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रख ली मेरा वुनवान जैसा कि आपने सुना सहबा के राम के आपसी अख्तिलाफ़ात और अहले सुन्नत का मौके मैं सबसे पहली बात आपके सामने ये रख देना चाहूँगा कि जब हम इस किस्म का सुनते हैं सहाबा के राम के दरमियान के अख्तलाफात तो कहीं ये गलत फहमी आपके मेरे दिल में ना आने पाए कि सहबा हमेशा लड़ते थे आपस में इनके बड़ा इख्लाफ था आपस में ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराजगी रखते थे हमेशा झगड़ते थे नहीं कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने इस बात की गवाही दी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई थे तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वज़कुरु निअमत अल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदा फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना अल्लाह ने फरमाया याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे फिर अल्लाह तबारक की यह नहमत हुई यह एहसान हुआ तुम पर कि अल्लाह तबारक ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया ये अल्लाह की गवाही है यह कुरान की गवाही है कि अल्लाह ताला ने सहाबा के दिलों को आपस में जोड़ दिया सहाबा के दिल आपस में जुड़े हुए थे वह उस वह तुम भी नहमत ही खवाना अल्लाह ताला की इसी नमत इसी इनाम का नतीजा था कि तुम आपस में भाई भाई बन गए ये अल्लाह ताला की गवाही दे आप सोचें आसमान से अल्लाह ताला की ये गवाही कुरान मजीद में वही बनकर उतर जाए और ये गवाही दे दे कि साहब आपस में भाई थे ये सब आपस में एक दूसरे के खैर तो फिर उसके बाद अगर हम ये जहन रखें साहबा आपस में इख्तलाफ रखते थे लड़ते थे कितनी गलत बात होगी ये कुरान की ईसायत के खिलाफ है इतना ही नहीं यही बात अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में बयान फरमाई अल्लाह ने अल्लाह के नबी को मुखातब करते हुए फरमाया वह अल्लाह बी कुलूबिहिम अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों को आपस में जोड़ दिया उल्फत पैदा कर दी, मोहब्बत अल्लाह ने इनके दिलों में पैदा कर दी और कैसी मोहब्बत अल्लाह ने कहा अल्लाह आप कोशिश करके सारे जमीन के खजाने भी लुटा देते ना तब भी इनके दिलों को आप जोड़ नहीं पाते लेकिन ने इनके दिलों को आपस में जोड़ दिया याद रखो भाइयों कुरान मजीद की इन आयतों का और इसके अलावा और भी आयतें और बता रे बतौर नमूना मैंने सिर्फ चंद जिक्र की बताना यह है सबसे पहली बात याद रखें जब हम ये कहते हैं सहाबा के राम के दरमियान बाहमी इख्तिलाफ तो कोई ये ना समझे कि साहबा के राम आपस में लड़ते थे झगड़ते थे नहीं वो अखूत की मिसाल थे वो भाईचारे की मिसाल थे वो खैर काही की मिसाल थे वो ईसार की मिसाल थे वो अंसार थे वो महाजिर थे वो अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़कर आए थे तो अंसारियों ने उन्हें अपने हाथों हाथ लिया था आपने काफी बातें इस हवाले से सुनी तो सहाबा के बारे में पहली बात याद रखे साहबा आपस में एक दूसरे के भाई थे वो आपस में लड़ने वाले नहीं थे सवाल ये है कि जब ये बात असर है कि वो लड़ने वाले नहीं थे सिर्फ ये दो जंगे ऐसी हैं जिन जंगों में आपको कुछ सहाबा के नाम मिलेंगे तो इन जंगों से मुतक हमारा मौकफ क्या होना चाहिए याद रखो भाइयों हमें और आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें सिखाई क्या बातें अल्लाह के नबी ने सिखाई तबरानी की रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया की की और अबी फमसीकू जब मेरे सहाबा का तस्करा आए तो अपने आप को रोक लो अपनी जबानों को रोक लो क्या मतलब है सहाबा का अगर तस्करा करना हो तो सिर्फ अच्छे अंदाज में तस्करा करो जब उनके बाहमी इख्तलाफ का तस्करा आ जाए उनमें से किसी की किसी गुनाह का तस्करा आ जाए उनमें से किसी की किसी गलती का तस्करा आए अपने आप को रोक लो अपने आप को काबू में रखो अपनी जबान को अपने कलम को हत्ता के अपनी सोच को भी काबू में रखो भी जब मेरे साहबा का आए ना, तो आप को रोक लेना। याद रखना भाई मसाइल में इख्त हुआ, हुआ इस इख्तलाफ की नोयत में आपके सामने वाजह करूंगा लेकिन उससे पहले समझे कि यह मसला अल्लाह के नबी ने साफ तौर पर कह दिया कि अपने आप को रोक लो ये अल्लाह के नबी का हुक्म है अल्लाह के नबीम का हुक्म है इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी आदमी को इन दो जंगों के बारे में जिक्र करके सहाबा की मोहब्बत महब्बत बैत की मोहब्बत सहाबा से ताल्लुक बैत से मोहब्बत के लिए अगर इन जंगों का हवाला दे रहा है वो जो उनके दरमियान इख्तिलाफ है उसका हवाला दे रहा है तो फिर आप समझ लेना कि वो आदमी आपको गुमराही के रास्ते की तरफ ले जा रहा है वो अल्लाह के नबी के इस हुक्म के खिलाफ आपको लेकर जा रहा है सुभान अल्लाह इसीलिए आप देखो अल्लाह के नबी के इस हुक्म की इब्तदा में का, उम्मत के जो मुख्तर गुजरे हैं उनका ये अहल सुन्नत का मौकफ है कि उन्होंने सब ने एक अपनाया। वो मौकफ क्या है वो मौकफ ये है तस्करा आएगा जो उन्होंने किया अल्लाह के पास चले गए अल्लाह तला के पास वो अजर के मुस्तक कैसे इस मसले को आप समझे साहबा में जो इख्तलाफ हुआ ना ये जो जंग के लिए जंग हुई हजरत अली कहते थे पहले सारे लोग बयात कर लें हजरत मुआविया कहते थे पहले कातिल उस्मान से बदला लें हजरत आयशा हजरत वुबैर कहते थे हजरत अली ने चार महीने गुजरने के बाद भी अभी तक कोई इकदाम नहीं किया हजरत उस्मान के खून का बदला लेने की मुहिम चलानी चाहिए ये जो कहते थे इस मसले में अह सुन्नत ये कहते हैं कि सारे साहबा मुजतहिद थे और मुश्तिद कहते हैं उसको जो आदमी अल्लाह तबा रक की रजा और खुशनूदी हासिल करने ही के लिए सही मौके सही स्टैंड लेने की कोशिश करता है अब हर आदमी किसी मसले में इश्तिहाद करता है तो जाहिर बात है दोनों सही नहीं हो सकते एक सही होगा दूसरा सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा अल्लाह के नबी नबीसल ने इजतहाद करने वालों के बारे में एक बात बड़ी प्यारी आपने बताई कहा जो आदमी इजतहाद करता है यानी अल्लाह को राजी करने के लिए सही मौके सही स्टैंड लेने की कोशिश करता है और उसका स्टैंड वाक सही होता है अल्लाह के नबी ने कहा उनको दोगुना अजर मिलेगा उनको डबल अजर मिलेगा और अगर कोई कोशिश करता है लेकिन सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता नतीजे गलत नतीजे पे गलत स्टैंड ले लेता है तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर भी उसे एक अजर मिलेगा दो अजर किस बात के मिलेंगे पहले फरीक को एक तो उसने मेहनत की सही नतीजे को पाने की कोशिश की इसका अजर मिलेगा और दूसरा सही नतीजे को पा लिया उसका अजर मिलेगा और एक अजर क्यों मिलेगा गलत नतीजे तक पहुंचने के बावजूद का उसने अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत की इस मेहनत का अल्लाह अजर दे देगा एक अजर जरूर मिलेगा सहाबा के इस इख्तिलाफ के बारे में अहले सुन्नत वल ज़मात का मौकफ ये है कि सहाबा में से हजरत अली और उनके जो साथी थे उनके उनकी जमात हक से ज्यादा करीब थी उनकी जमात हक से ज्यादा करीब थी लेकिन हजरत मुआविया और उनके साथी की जो जमात थी वो भी हक पर थी अलबत् हजरत अली की जमात ज्यादा मतलब ने एक बात बयान फरमाई खारिज के फिर के बारे में खबारिज का एक फिर गुजरा यह हजरत अली के जमाने में निकला था अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी कि यह फिर जब निकलेगा तो मेरी उम्मत के दो गुरोहों में से ज्यादा नजदीकी रखने वाला जमात वो उनको कत्ल करेगी उनके साथ लड़ेगी और उनका खात्मा करेगी इस जुमले के अंदर अल्लाह के नबी ने दो बातें कही एक तो यह बताया कि खवरिज को कत्ल करने वाले हक से ज्यादा करीब होंगे और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने गोया ये भी कही कि दूसरा भी हक से बाहर नहीं होगा दूसरा गिरोह भी हक से बाहर नहीं होगा इसी वजह से यह बात याद रखो अहल सुन्नत वाल जमात का मौका वाकिफ है कि हजरत अली और आपके साथी हक से ज्यादा करीब थे लेकिन इसके साथ साथ हजरत मुआविया की जमात भी हक पर थी यानी ये कि इनको एक अजर मिला हजरत मुआविया और उनके साथियों को और दूसरे जो लोग हैं दूसरे हजरत अली और उनके साथ जो सहाबा थे या दीगर लोग थे ताब वगैरह उनको अल्लाह ताला ने दोगुना अजर दिया ये जब मसला है शेख ने इस हदीस को जिक्र करके कहा है कि यह हदीस सराहत के साथ दल करती है कि दोनों में से कोई भी बातिल पे नहीं इसीलिए सुन्नत जमात एक बात कहते हैं कि जब सहाबा की इन जंगों का तस्करा आए तो हमारा काम क्या है हमारा मौकफ क्या है हमारा स्टैंड क्या है हम इसमें किसी एक के तरफदार बनकर दूसरे के ऊपर लान तान करना दूसरे पे बारे में अपनी जबान खोलना दूसरे पर कमेंट पास करना दूसरे के बारे में अपनी राय देना दूसरे को गुमराह करार देना दूसरे को कुछ भी कहना यह अहले सुन्नत वज की नजर में गुमराही की आलामत है हाजी ने गिरामी आज आपको यह बुनियादी मसला समझना चाहिए कि सहाबे के राम के दरमियान एक तो मैंने कहीं अख्तलाफा नहीं हुए लेकिन जो मसला इख्तलाफ का हुआ उसमें एक जमात हक से ज्यादा करीब थी दूसरी जमात हक से निस्बतन दूर थी लेकिन बातिल पे अल्लाह अल्लाह के नबी ने किसी को नहीं करार दिया इसलिए हमारा तरीका यह कि हम सब के बारे में अच्छा ही कहेंगे किसी के बारे में अपनी जबान गलत नहीं खोलेंगे आज आप देखें यह जो मौकफ है इस मौकफ को सलफाल ने कैसे बयान किया हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह आल का दौर आया किसी ने हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमत आलही से पूछा कहा कि आप क्या कहेंगे साहबा के दरमियान ये जो जंगे हुई इनके बारे में आप क्या कहेंगे हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमत आलही ने कहा कि ये वो खून है कि जिस खून से अल्लाह ने हमारे हाथों को साफ रखा यानी मतलब ये कि उन जंगों में जो मारे गए दोनों तरफ के मुसलमान उन लोगों के खून से अल्लाह ने हमारे हाथों को पाक रखा मतलब ये कि ना हम इधर शरीक थे ना उधर शरीक थे जंग में शरीक नहीं थे कहा जिस खून से अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को पाक रखा है हम उसके बारे में रबान रब खोल कर अपनी जबान को उनके खून से क्यों आलोदा करेंगे क्या मतलब आप चाहे इनकी तईद करें चाहे उनकी तईद करें इस मसले में आप दाखिल होंगे तो आप एक की तइद में दूसरे की तरदीद करते करते अपनी जबान को आलौदा करेंगे ही इसलिए यह बात याद रखो सलफाल ने का इस मसले में खामोशी इख्तियार करो इसलिए कि आपका दीनों ईमान आपका ईमान अकीदा है अरकान ईमान है अरकान इस्लाम है आपके हलाल और हराम है ये आप अगर सहाबा के बारे में आले बैत के बारे में यह अकीदा रखते हैं मुझे सहाबा से भी मोहब्बत है मुझे आले आलेबैत रसूल से भी मोहब्बत है आप अगर यह अकीदा रखते हैं इस अकीदे के साथ इंतकाल कर जाते हैं आप सहाबा की वजह से आले बैद पे कोई बात नहीं करते आले बैद की वजह से सहाबा के बारे में कोई गलत बात नहीं करते आप यकीन रखें रोज क्यामत अल्लाह के पास आप कामयाब हैं आपसे कोई बात नहीं पूछी जाएगी इसलिए एक बात याद रखें अपनी जबान को रोकना यही अल सुन्नत वजमात का मौकफ है और मैं आपको बताऊं हज़रत हसन बसरी रहमत लाई ताब में से सबसे ऊंचे दर्जे के जो बुलंद दर्जे के ताबीन है उनमें शुमार हजरत हसन बसरी का किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं ये साहबा के दरमियान जो झगड़ा हुआ या इख्तलाफ हुआ या जंगे हुई इसके बारे में आप क्या कहते हैं हजरत हसन बसरी रहमत ने बड़ी प्यारी बात कही हजरत हसन बसरी रहमत ने कहा कि देखो साहबा वहाँ हाजिर थे हम गायब थे हम मौजूद नहीं थे वहां पर साहबा वहां मौजूद थे हम मौजूद नहीं थे जो मौजूद थे वो खुद आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे तो हम गायब रहकर किसी की तयद क्या कर पाएंगे हम सुबहानल्लाह कितनी समझदारी की बात कहते वो मौजूद थे वो मौजूद रहकर आपस में इख्तलाफ कर बैठे तो हम तो दूर थे हम गायब रहकर आपस में क्या इख्तलाफ हम जाके क्या कर पाएंगे कहा वो आलिम नो जाहिलना वो वा इल्म वाले थे हम जाहिलबहान अल्लाह वो वा इल वाले थे हम जाहिल हैं और आगे बढ़कर एक मसाला और कहा जब साहबा को हमने मुतफिक देता तो देखा तो हम सारे साहबा के साथ हो गए और जब हमने आपस में इख्तलाफ करते हुए देखा तो हमने अपने आप को दोनों की तइज से रोक लेने ही में सलामती समझी जब दोनों को आपस में इख्तिलाफ करते देखा तो हमने अपने आप को वकफ ना अपने आप को रोक लिया हमने ये तिवाता इन में से हजरत हसन बसरी जैसे लोगों का मामला है और आपको मालूम इमाम अहमद से पूछा गया किसी ने पूछा कि इमाम आप बताइए ये जंगी जो हुई उसके बारे में हमें क्या कहना चाहिए हजरत इमाम अहमद बिन अली ने कहा नकुलफी हसन हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे सबके बारे में अगर कहेंगे अच्छी बात ही कहेंगे सारे सहाबा के बारे में इसीलिए बात याद रखो हम अहले सुन्नत का हम अहले हदीसों का और आप तमाम मुसलमानों का सबका यह अकीदा है और यह होना चाहिए कि हम किसी भी सहाबी के बारे में अपनी जबान पर कभी कोई गलत लफ्ज नहीं लाते कभी कोई गलत लफ्ज नहीं लाते हैं याद रखें इमाम तहावी तहवी अलैहि ने हम सुन्नत का अकीदा बयान करते हुए कहा वनबू अब रसूल सल्हु वसलम हम रसूल अक्रमल्म के सहाबा से महबत करते हैं ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم लेकिन हमारी मोहब्बत का معیار क्या है किसी की मोहब्बत में ना हद से आगे बढ़ते हैं और ना सहाबा में से किसी से अपनी लातल्लुकी और برहात का ऐलान करते हैं हम सारे साहबों से मोहब्बत करते हैं किसी साहबी की मोहब्बत में हद से आगे बढ़कर दूसरे की तनखीस नहीं करते और किसी सहाबी की कमी कमजोरी निकाल कर अपने ताल्लुक को खत्म करने की बात नहीं करते ये अकीदा है जो किताबों सुन्नत में हम और आपको दिया गया ये अकीदा है जो हम और आपको पढ़ाया गया है और इतना ही नहीं आगे इमाम तहावी ने यह भी लिखा वनुगिदू मई हम वनुगिम जो सहाबा से बुग्ज रखता है दुश्मनी रखता है हम उससे दुश्मनी रखते हैं वो कोई भी सहाबी हो इधर के सहाबी उधर के सहाबी कोई भी सहाबी किसी भी सहाबी के बारे में किसी की जबान पर कलम पर किताब में उसकी गुफ्तगू में अगर कहीं शान में गुस्ताखी का कोई पहलू निकलता है हम उस मसले पे बात नहीं करते उस आदमी पे बात करते हैं जो आदमी इस मसले को उठाता है वनोब हम हम उससे दुश्मनी रखते हैं बुग्ज रखते हैं जो सहाबा से बुख्ज रखे और सिर्फ सहाबा से बुक्स रखना जरूरी नहीं वह भी उनका तस्करा खैर अच्छाई के अलावा किसी और हवाले से कोई करता है हम उससे भी बुक्स रखते हैं ये हमारा अकीदा है कि जो आदमी सहाबा का गलत अंदाज में तस्करा करे किसी गलत बात के हवाले से तस्करा करे तो आप ये बात याद रखना हम उस आदमी से दुश्मनी को अपना दीन और ईमान मानते हैं और आगे बढ़कर इमाम तवी रहम ने बहुत बड़ी बात कही कहा वुबीन उन व ईमान उन व एहसान साहबा से मोहब्बत करना दीन है ये ईमान है और ईमान के सबसे आला दर्जे एहसान के दर्जे तक पहुंचने का जरिया है उनकी मोहब्बत वहर उन व तुफियान और साहबा से दुश्मनी या उनमें से किसी से नाराजगी ये कुफर है ये कुफर है निफाक है और अल्लाह ताला के सामने सरकशी करने वाली बात है इसीलिए हाजिर साहब कराम के बारे में कोई गलत बात अपने दिलो दिमाग के अंदर आने ना दे अपने आप को रोक कर रखें सवाल यह है कि जब ये बात है तो हम साहबा का तस्करा हमारे प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं आप हम भी तो जिक्र कर रहे हैं साहबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ हमने यूनवान क्यों छोड़ा छेड़ा देखिये मसला असल में ये सोशल मीडिया का दौर है कराम कुरान भी जानते हैं तफसीर भी जानते हैं हदीस भी जानते हैं, हदीसों की शुरुआत भी जानते हैं, तारीख भी जानते हैं तारीख के हादिसात भी जानते हैं, लेकिन एक मुसलमान के दीन के लिए जितनी बातें जरूरी हैं दीन की वो बातें सिखाते पढ़ाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ये हुआ कि कुछ जालिमों ने एक मिजाज एक माहौल आम किया वो माहौल क्या किया पता है आपको उन लोगों ने जंग जमल का तस्करा नहीं किया लेकिन जंग सिफीन का तस्करा किया जंग सिफीन का तस्करा करके हजरत मुआविया और उनके साथियों को निशाना बनाया और फिर वही सारी बातें जो आले बैत की मोहब्बत के नाम पर शिया सहाबा के बारे में गलत बातें कहते थे वही सारी बातें अहले सुन्नत में से होकर भी शियों वाली बातें जालिमों ने की और उसका नतीजा यह हुआ मेरे कानों ने जो सुना वो मैं आपको सुना दूं अल्लाह माफ फरमाए कुफर को नकल करना कुफर नहीं होता वरना बड़ी जरूरत चाहिए जुमले नकल करने के लिए अहल सुन्नत में से सुन्नियों में से एक, एक अल्फाज कहता है मेरी नजर में मुआविया मुनाफिकंगों को बुनियाद बनाकर यह जो अहले सुन्नत का स्टैंड था ना हम इन मसाइल में ही दाखिल होंगे इस मसले को उन्होंने कबूल नहीं किया बल्कि जंगों के मौजू को सबब बनाया और उसके बाद अल्लाह के नबी के खानदान से मोहब्बत के नाम पर हजरत मुआविया को और उनके साथियों को बहुत कुछ कहा बुरा भला कहा और उसका नतीजा मैंने कहा ना जालिमों ने यहां तक कह दिया हजरत मुआविया को मुनाफिक तक कह दिया आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत मुआविया रदील तू के ईमान की गवाही देने को अहले सुन्नत सहाबा के बारे में अपने ईमान की गवाही की बुनियाद माना करते थे सलफ़ कहते थे मुआविया तो जरत मुआविया वो पर्दा है जो सहाबा की हरमत के सामने और जो आदमी पर्दा हटाएगा घर में जरूर दाखिल हो जाएगा यानी जो आदमी हजरत मुआविया की शान में जुरत करेगा गुस्ताखी करेगा लाजिमी तौर पर वो अब रसूल के बारे में भी गुस्ताखी करेगा यही हुआ यही हुआ आपको मैं बताऊं जालिमों ने हजरत मुआविया और जंग सिफीन के बारे में खूब बात की लेकिन उनको दिमाग उनका नहीं चला इस हद तक कि जितने इल्जाम हजरत अली से जंग लड़ने की वजह से हजरत मुआविया को देंगे उतने ही सारे इल्जाम खुद बखुदे जमल में हजरत आयशा हजरत तला और हजरत जुबैर पर भी लग जो जो से की वजह से हजरत मुआविया के बारे में कहोगे वो सारी बातें आले के नाम पर ही दूसरे सालिम तुम शायद ना कहो लेकिन कहने वाले क्या दूसरे आकर कहेंगे जब अली से लड़ने की वजह से मुआविया गलत है तो फिर तलहा व जुबैर और आयशा भी गलत है और आपको यह बात मालूम होनी चाहिए ये तीनों की तीनों जन्नत की खुशखबरी पाए हुए साहबा जब हजरत अली से लड़कर हजरत तलहा फिर भी जन्नती हजरत अली भी जन्नती हजरत अली से जंग के बावजूद हजरत जुबैर जन्नती हैं और हजरत अली से लड़ाई के बावजूद हजरत आयशा जन्नती हैं तो फिर वही बात साहबा के बारे में हजरत मुआविया और दीगर साहबे के बारे में सुन्नत कहते हैं मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ आज हमारे और आपके बहुत सारे नौजवान हैं वो ये कहते हैं कि हम कहां ये कह रहे हैं हम तो अल्लाह के रबी की हदीसों का हवाला दे रहे हैं आज ये मसला भी आपके सामने मैं जिक्र कर देता हूं देखें लोग ये कहते हैं अगर यही जरूरी है कि हम खामोशी इख्तियार करें तो फिर ऐसी हदीसें हदीस की किताबों में क्यों जिक्र की गई जिन हदीसों में इनके अख्तलाफात का कहीं कहीं तस्करा जरूर है याद रखो उन हदीसों का तस्करा इसलिए नहीं किया गया कि तुम जैसे आकर दोस्ती और दुश्मनी के फैसले करो उन हदीसों की बुनियाद पर किसी को सही किसी को गलत करार दो नहीं इसके लिए नहीं बयान की गई वो हदीसें इसलिए बयान की गई कि उनसे बहुत सारे फिकी मसाइल समझ में आते हैं उनसे फिकी मसाइल का इस्तेमाल होता है जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूं आप जानते हैं हजरत माइज असलमी रदी अल्लाह तनु से जिना जैसे का जिना जुर, जुर्म का जैसा जुर्म सरजद हुआ हजरत गिदिया सहाबिया उनसे भी इतना बड़ा गुना सरजद हुआ अब उनकी इस जना से मुतक हदीसें हदीस की किताबों में आती हैं कोई जालिम अगर इन हदीसों को लेकर हजरत बदकार कहे हजरत गामिदिया को बदकार कहे और उनके बारे में इस अंदाज से गुफ्तगु करे तो उस जालिम से कहा जाएगा कि तू तो इतना बड़ा जालिम है कि न तूने अल्लाह के नबी की हदीस समझी न सहाबा का एहतराम समझा वो हदीसें इसलिए नहीं बयान हुई कि उनके गुनाहों का तस्करा चलता रहे वो हदीसी इसलिए बयान हुई कि आपको उसके नतीजे में रजम करना चाहिए जानी की सजा क्या है जानी को कैसे सजा देनी चाहिए ये फिक्री मसला समझाने के लिए अहम बयान करने के लिए की जाती हैं हदी जो बयान की जाती हैं उसके मकासद दूसरे होते हैं जालिमों ने क्या किया पता है सही मुस्लिम की हदीस में फलां यज राय है फलां यजिक राया इन हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी के खानदान के लोगों में और हजरत अली और अल्लास नबी के बाद सहाबा के दरमियान दुश्मन थी ये मकसद ही नहीं था ये मुहदसिन का मकसद ही नहीं अल्लाह के बंदो इसीलिए वो नौजवान जो ये कहते हैं वह जो भी लिखता है जो भी बोलता है हदीस के हवाले से बोलता है याद रखना हवाला हदीस का है लेकिन हदीस से जो बात समझ के समझा रहा उसकी अपनी ये उसकी अपनी समझ की बात है जो लोग इन किस्म की हदीसों को लेकर साहबा के अख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर साहबा के बारे में जबान दराजी करना चाहते उन जालिमों के बारे में आप ये बात याद रखना वो गुमराह हैं और अगर उनके नक्शे कदम पे चलोगे तो आपको भी गुमराही से कोई नहीं बचा सकता यह अल सुनत वजमात का मौकफ है वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत लंबी गुफ्तु करूं बुनियादी मसला मुझे जो आप हजरा और खुवात के सामने जिक्र करना था वो मसला मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जब सहाबा के बारे में कोई भी मसला चाहे वो कुरान की आयत पढ़कर बताए हदीस रसूल पढ़कर बताए याद रखना कुरान के इनकार की बात नहीं हदीस रसूल के इनकार की बात नहीं बल्कि कुरान की आयत या हदीश रसूल से जो माना तुम समझना चाहते हो चौदह सौ साल तक उम्मत के ओलमा ने यह माना उससे नहीं लिया है फर्क जो बताना चाहते हैं कोई आदमी आयत और हदीस भी पढ़कर बताए तो आप यह बात समझ लेना कि आदमी गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है क्यों इसलिए कि पढ़ तो रहा है कुरान की आयत पढ़ तो रहा है हदीस रसूल लेकिन जो बात उससे निकाल के बता रहा है वह उसकी अपनी मन चाहिए आप अगर वही हदीश रसूल जिसका वो हवाला दे रहा है आप जाके उस हदीस के उस उस किताब के लिखने वाले आलिम दीन के अकीदे में देखें आपको नहीं लगेगा कि उस हदीस से कभी उन उलमा ने हजरत मुआविया के हक में या किसी सहाबी के हक में वो मसला समझा जो मसला आज ये लोग समझाना चाहते हैं इसीलिए भाइयों अहले सुन्नत के सकीदे अकीदे को याद रखो कि अहले सुन्नत की नजर में ये मसला तय है कि साहबा का जब तस्कर आए तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं लेकिन दो तीन अहम बातें आपके सामने मैं जिक्र कर देना चाहता हूं जो इसी मौजू से जुड़ी हुई है। आज मैंने कहा ना जब ऐसे जालिम ालिमां पैदा हो रहे हैं तो हमें इस मौजू को छेड़ना पड़ता है और आपके सामने बताना पड़ता है

इस जंग के बारे में सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये समझें सहाबा इसमें मुजतहिद थे सही नतीजे तक पहुंचने वाले सहाबी को दोहरा सवाब और गलत नतीजे तक पहुंच पहुंचने वाले साहबी को एक सवाब मिला है कोई भी उनमें से बातिल पे नहीं था ये अकीदा हमारा होना चाहिए पहली बात दूसरी बात ये बात याद रखें इस जंग को लोग आमतौर पर इस अंदाज से पेश करते हैं जैसे ये सहाबा और अहले बैत के दरमियान की जंग है ऐसे पेश करते हैं जैसे ये सहाबा और अहले बैत के दरमियान की जंग है एक तरफ हजरत अली और हजरत अली के चाहने वाले थे और दूसरी तरफ हजरत अली के मुखालिफिन मौजूद थे याद रखना यह तस्वर इन जंगों के बारे में कि एक तरफ आले बैत दूसरी तरफ सहाबा थे ये तस्वर सिर्फ राफिदियों का है शियो का है शिया ये मानते हैं कि सहाबा आले बैत के दुश्मन थे और इसी वजह से हजरत अली से लड़ते थे अहले सुन्नत का ये मौकफ है कि सहाबा और हजरत अली सब सहाबा ही थे ये के आपस की जंग थी ये आले बैत और सहाबा के दरमियान की जंग नहीं थी लिहाजा अगर कोई आदमी इसे सहाबा और आले बैत की जंग का रंग देता है या उस अंदाज में तस्करा करता है समझ जाना राफिदियत आपके अंदर फैला रहा है वरासीम आपके अंदर बो रहा है उसकी बुनियादे आपके अंदर मजबूत कर रहा है याद रखना इस मसले को क्यों खुद हजरत अली रदी अल्लाह तंग लड़े खुद ये नहीं मानते थे कि उनके साथ लड़ने वाले उनके दुश्मन है सुबह मैं आपके सामने दो हवाले नकल करता हूं हजरत अली के खिलाफ जंग जमल में शरीक है जुबैर तलात आयश हजरत जुबैर रदी अल्लाह तु जब जंग में शरीक थे तो एक हजरत अली के फौज का एक आदमी जरत जुबैर लेटे हुए थे सोए हुए थे जंग नहीं चल रही थी जंग अभी शुरू नहीं हुई थी मौका देख कर उसने हजरत जुबैर को कत्ल कर दिया शहीद कर दिया और हजरत जुबैर की तलवार उठाकर आया हजरत अली के पास जैसे हजरत अली को खबर मिली कि किसी ने हजरत जुबैर को कत्ल कर दिया अगर दुश्मन होते तो हजरती अली क्या होते खुश हो जाते ना बल्कि इसलिए खुश होते कि यही तो सरगना है यही तो सरदार है यही तो बड़े हैं लेकिन हजरत अली ने क्या कहा बशर का ने जैसे ही सुना कि जुबैर को किसी ने कत्ल कर दिया शहीद कर दिया कहा जन्नत की, की खुशखबरी सुनात अली खुद अपने खिलाफ लड़ने वालों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे और आज हम उनको आपस में दुश्मन साबित करने पर तुले हुए आलिबैत और साहबा की दुश्मनी का मसाला बनाने पर तुले हुए हजरत उनके पैर में जंग में तीर लग गया उसी तीर के जख्म से वो बिलाखिर वफात पा गए हजरत तल्हा आप तारीख में पढ़ के देखो हजरत अली रजी अल्लाह जब पहुंचे हजरत तलहा की लाश पड़ी हुई थी हजरत एक रिवायत में ये बात भी है कि हजरत अली बैठ गए उनका सर अपने जानों पे रख लिया और दूसरी रिवायत में इस तफसील के बगैर ये बात आई कहा अः तलहा तुम्हें मिट्टी में मिला हुआ देख मेरे दिल पर बहुत शाक गुजर रही है यह सूरत हाल तुमको इस तरह वफात पाए हुए देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसके बाद हजरत अली ने दूसरी बात कही क्या कहा पता है? कहा मेरी तो तमन्ना होती है ये दिन देखने से बीस साल पहले मैं इंतकाल कर गया होता तो अच्छा होता अली जिनके साथ जंग हुई वो उनको अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं हजरत अली दुश्मन नहीं मान रहे और आज ये जालिम आपस में एक दूसरे को उनका दुश्मन साबित करने पे तुले आलेबैत और साहबा की दुश्मनी बनाने पे तुले हुए आपको मालूम है एक और रिवायत में जो कई रिवायतों में से आई हजरत ने हज़रत है ये आयत, इस आयत की में, एक आयत पड़ी जिसमें अल्लाह ने फरमाया मोमिनों का तस्करा करते हुए कहा हम इनके दिलों की नाराजगी को खत्म करके तख्तों पर जन्नत में एक साथ इनको बिठाएंगे हजरत अली ने यह आयत करीमा पढ़कर कहा यह तलहा यह जुबैर और मैं तीनों के बारे में मेरा मानना है कि अल्लाह ताला हम तीनों को जन्नत में ऐसे ही बिठाएगा हजरत अली खुद मानते थे कि ये मुझ तहीद हैं लेकिन सही नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं उनको बातिल पे हजरत अली नहीं मानते थे लेकिन लोग जबरदस्ती मरवाने पे तुले तो बात याद रखें पहली बात कि ये लोग आपस में दुश्मनी की वजह से नहीं लड़ रहे थे दूसरी बात कि आपस में ये आले बैत और आले बैत और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की दुश्मनी की ये जंग नहीं थी और तीसरी बात ये भी याद रख लेना ये दुनियावी मालो मता के लिए या हुकूमत के लिए मनसब के लिए लड़ी गई जंग भी नहीं थी आपको मैं ये बात बताऊं हजरत आयशा और तलहा व जुबैर ने भी हजरत हजरत अली रदी से जंग की तैयारी नहीं की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो सिर्फ लोगों की राय हमवार करके राय आम्मा को हमवार करके हजरत अली पे दबाव बनाना चाहते थे कि आप कातिली उस्मान से बदला ले हती के हजरत अली को पता चल गया हजरत आयशा और आपका लश्कर लड़ना नहीं चाहता खुश हो गए और दोनों सुबह में तय किए कि आपस में मिलेंगे और मिलकर मामला सारे खत्म कर लेंगे म जो कातिल हजरत उस्मान के थे उनमें से कुछ लोग हजरत अली के लश्कर में थे उन जालिमों ने खारिजियों ने रातों रात दोनों फिरो गिरोहों के दरमियान जंग छेड़ दी थी, थी ये बात आप याद रखें और दूसरी तरफ ये भी आप याद रखें कि इनमें से कोई जंग लड़ने वाला न हुकूमत चाह रहा था ऐसा नहीं कि सब जो है खलीफा बनने के लिए अली कह रहे हैं मैं खलीफा हूं इधर से हजरत आयशा या तल्हा या जुबैर कह रहे नहीं खिलाफत हमें चाहिए नहीं ऐसी जंग नहीं थी अल्लाह के बंदो और इधर भी मुआविया के बारे में दो टोक बात देखो हजरत जरीर को भेजा कि जाओ जाके जाविया मुआ, से कहो मेरे हाथ पे बयात कर ले हजरत मुआविया ने उनको जो जवाब दिया वो क्या था आपको मालूम है ये नहीं कहा कि मैं आपकी इमारत, इमारत इमामत को तस्लीम नहीं करता मैं अपनी जगह पर खलीफा यह नहीं कहा।, कहा मेरा मुतालबा सिर्फ एक है के, के कालों से हजरत अली बदला ले ले फिर मैं उनके हाथ पे बयात कर लूंगा और उनके साथ उनके ताबे फरमा बरदार हो जाऊंगा यह मनसब और के लिए लड़ी जंग भी नहीं है अगर कोई इसे मनसब और हुकूमत की लड़ाई बताता है आप समझ जाना कोई आदमी आपको गलत रुख देकर ले जा रहा है और एक बात और भी बता दो ये जो जंग हुई ना लोग आमतौर पर इसे कहते हैं सहाबा के दरमियान जंग हुई आपको बताओ तारीख की किताबों में तो लिखा गया है एक तरफ से 25 और दूसरी तरफ से एक तरफ से 15 और दूसरी तरफ से 45 या एक रिवायत में 25 और चाहे तकरीबन सत्तर हजार अस्सी हजार नव्वे हजार लोगों तक शहीद किए गए ये बातें लिखी गई हैं लेकिन आपको एक बात आज मैं बताना चाहता हूँ ये बात याद रखे बाजाह में एक तहकीक पेश की है और वह तहकीक ये है कि ये जो जंगे हुई ना चाहे जंग जमल हो जंग सिफीन हो शरीक होने वाले सहाबा कितने थे कहा कुल मिलाकर सा की तादाद तीस भी नहीं थी तीस सहाबा भी शरीक नहीं हुए इन जंगो इन वो कहते हैं शरत यह जब फितना उठा ना ये जो आपस में लड़ाई का उस वक्त साहबा की तादाद दस हजार से ज्यादा थी लेकिन फमा इस फरे का शिकार सौ सहाबी भी नहीं हुए बल्लम अब लोगों से बल्कि उनकी तादाद तीस को भी नहीं पहुंची यानी इसका मतलब ये हुआ बाज़ मुआसरीन ने तहकीक करके बताया है तकरीबन सत्ताईस सहाबा के नाम मिलते हैं सराहत के साथ कि मैदान जंग में शरीक हुए थे लड़े थे सत्ताईस सहाबा के सिर्फ नाम मिलते हैं ये बाज़ अलीन की तहकीक है और ये तहकीक अगर आप आपके सामने रखते हैं तो ये मालूम होता है इस जंग में शरीक होने वाले सहाबा की तादाद दोनों जंगों में शरीक हुए सहाबा के अलावा तबीन थे जो आम मुसलमान थे लेकिन सहाबा में से तकरीबन यूं समझिए तीस सहाबा इस रिवायत के मुताबिक शरीक थे अब आप बताओ एक लाख से ज्यादा साहबा में से तीस सहाबा के दरमियान अगर किसी मसले में इख्तलाफ़ हुआ है कि इस मसले को बुनियाद बनाकर सारे सहाबा और साबियत के मसाइल को रस्ते लगा देना कोई दानिशमंदी है सहाबा के दरमियान हुए इस इख्तिलाफ को इस जंग को आप जो है सारे सहाबा के लिए वजह तान बना दें ये कोई इल्मी तहकीक है यह कोई मसला है याद रखो अल्लाह के बंदो ये मसला हमें याद रखना पड़ेगा कि असल में इन्हीं सब वजूहात की वजह से अहले सुन्नत कहते हैं खामोशी इख्तियार करनी चाहिए मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेट लूंगा और वो आखिरी बात क्या है देखो एक बात याद रखो साहबे के राम में जिस वक्त जंग हो रही थी ना उस वक्त ऐसा नहीं कि सहाबा दो हिस्सों में बढ़ गए थे और आपस में लड़ते रहे नहीं सहाबा की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी थी दो दोनों का साथ देने के लिए तैयार नहीं थी वो समझते थे कि ये फितना है ये मुसलमान का मुसलमान से लड़ना फितना है इसमें शरीक नहीं होना चाहिए इसमें हमें दूर रहना चाहिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें दूंगा अभी आप ये मसला देखें एक बड़ी तादाद सहाबा की ऐसी थी जब ये जंग हुई जब ये फितना हुआ उन्होंने दूरी इख्तियार की कहा रही हम लोग इस मसले में बिल्कुल दखल नहीं देंगे ना इनकी तईद करेंगे ना उनकी ताइद करेंगे न इनके साथ लड़ेंगे ना उनके साथ लड़ेंगे आप बताओ अगर ये कुफर ईमान की लड़ाई होती अगर ये हकोबातिल की लड़ाई होती अगर ये ऐसी जंग होती कि इसके बगैर हजरत अली की मोहब्बत का सबूत आपने नहीं दिया तो क्या साहबा पीछे रहते नहीं साहबा पीछे नहीं रहते सारे साहबा शरीक होते लेकिन साहबा की एक बड़ी तादाद पीछे रह गई और यहां से एक सबक आप और मैं देखो साहबा जंग के वक्त रहकर जंग में शरीक नहीं हुए तो जंग के बाद हम अपनी जबानें खोल कर क्यों उसमें शरीक होना चाहते साहबा की एक जमात बड़ी जमात जब जंग के जमाने में जंग के वक्त में मौजूद रहकर उस जंग में शरीक नहीं हुई तो आज उन जंगों के बारे में हम अपनी जबान खोल करके सहाबा से ज्यादा ईमान वाले बताना चाहते हैं अपने आप उन सहाबा से ज्यादा इल्म वाले अपने आप को बताना चाहते हैं यकीनन जो सहाबा उसमें शरीक हुए उनके सामने मसाइल थे हजरत अली को खलीफा बना दिया गया था उनके सामने सारी हुकूमत को मुनजम करना जरूरी था वो करने पे मजबूर थे वो किया उन्होंने हजरत माविया समझते थे मैं हजरत उस्मान के खानदान के होने की वजह से मुझ पर जिम्मेदारी है कि हजरत उस्मान के खून का बदला लूं वो अपने आप को मजबूर समझते थे शरीक थे लेकिन बकिया लोगों का क्या है बकिया लोग समझते थे कि इस मसले में हमारा दाखिल होना फिचरे में दाखिल होना इसलिए हम शरीक नहीं होंगे मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ उस दौर में रहकर सहाबा जब खुद जंग में शरीक नहीं हुए तो आज हम और आप ना इल्म है ना तकवा है न तहकीक है ना, ना दीनत दारी न ईमानदारी है अपने इस कमज़ोर ईमान कमजोर इल्म के साथ उन सहाबा के बारे में जबान खोलना हमने कैसे गवारा कर लिया आप देखो इन सहाबा को अपने सामने मैं आपको बताऊं हजरत अबू बकरा बकर

जाकर यह कहो अबू बकरा तुम्हें मना करते हैं कि दोनों में से किसी के साथ मत जाओ क्यों इसलिए कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के नबी अल्ला ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर एक दूसरे के सामने आए अल किलाहुमा किला कत्ल करने वाला और कत्ल किया जाने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे यानी मतलब ये कि मुझे डर है ये दोनों आपस में तलवार लेकर जा रहे हैं तुम जाओगे तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे हजरत अबू बकर ने मना कर दिया हजरत इमरान अब ने हुसैन रजियाल्ला तैन का ये वा, वाकिया और ऐसे ही म्या सादिब अबी वक्स रदी अल्लाह तैन का एक वाक्य सादिब ने अबी वक़ा रदील्ला तैन के पास ये वाक्य है कि किसी ने हजरत सादिब ने अबी वक़ाश के पास आकर कहा क्या सादिब ने अबी वक्स क्या आप जंग में शरीक नहीं होते क्या आप जंग में शरीक नहीं होते आप जंग में नहीं शरीक होंगे क्या तो हजरत सादिब ने अभी वक्स रद्ल ने कहा कि ठीक है मैं जंग में शरीक हो सकता हूं लेकिन एक शर्त पे आ सकता हूं एक शर्त पे तुम्हारे दरमियान आऊंगा वो शर्त क्या है मुझे ऐसी तलवार दो जिस तलवार की दो आंखें हों और दूसरी उस तलवार की जबान भी हो कि मैं जैसे ही तलवार किसी के सर पे उठाऊं वो तलवार देख कर बता दे ये सामने वाला काफिर है ये सामने वाला मुसलमान है ताकि जिसको काफिर कहे मैं उसे मार दूं और जिसे वो मुसलमान कहे उसे छोड़ दूं अगर ऐसी तलवार मुझे दे सकते हो तो बोलो मैं आ जाऊंगा अब ऐसी तलवार तो हो नहीं सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम ऐसी तलवार नहीं दे सकती तो जो जंग मुसलमानों में हुई मैं उसमें शरीक होना नहीं चाहता आप देखो सादिब ने अभी वक्स कैसे जर्नेल साहबी कितने बड़े जर्नेल साहबी लेकिन उन्होंने अपने लिए यही मौके पसंद किया कि मैं इस जंग में शरीक नहीं हूँ हाजी ने गिरामी जो बात मैंने आपके सामने कही वो क्या है आप ये बात देखें जब साहब के राम रिजवान तजमाइन इस जंग से या इन जंगों से पीछे रह गए उन्होंने इस जंग में शरीक होना पसंद नहीं किया तो फिर हम और आप क्यों अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं गुफ्तगु करना चाहते हैं हमारे लिए तो तरीका वही होना चाहिए जो तरीका हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने बताया ये वो खून है जिनसे अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को पाक रखा और जब अल्लाह तबारक ने हमारे हाथों को पाक रखा है तो हम अपनी जबानों को क्यों आलोदा करें किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक अभी के सामने आकर कहा कि, कि आप ये नहीं देखते कि कुछ लोग सहाबा के बारे में क्या क्या गलत बातें कर रहे हैं नहीं उन जंगों के बाद उस दौर में जो जालिम थे आज के जालिमों की तरह वो हजरत आयशा के बारे हजरत साहबा के बारे में जबान दराजी कर रहे हैं हजरत आयशा ने कहा कि असल मसला है कि ये अल्लाह के नेक बंदे थे उनकी जिंदगी खत्म हो गई वो चले गए अल्लाह ताला ने चाहा कि उनके जाने के बाद भी उनके नेकियों का सिलसिला जारी रहे तो अल्लाह तला ने इनको उनके पीछे लगा दिया कि यह बदकलामी करते रहे उनके दर्जे में इजाफा करते रहे अपनी नेकिया उनको देते रहें इसका मतलब ये हुआ आयशा र आपको और मुझको ये पैगाम दे रही कि अगर हम और आप अपने आप को इन मामला में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को दाखिल करेंगे तो हकीकत में हम और आप अपनी नेकियां सहाबा के हक में देंगे और खुद के लिए बर्बादी के सामान के अलावा और कुछ नहीं पैदा करेंगे मैं कुरान की उस आयत का तर्जमा करके अपनी बात खत्म करता हूँ अल्लाह ने फरमायाद मोमिन में से वो लोग हैं मोमिनों में वो लोग हैं यानी साहबा में से वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने वादे को सच्चा कर दिखाया मन मन नहबहु उनमें से कुछ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली निभा के निकल गए गएंतिर और उनमें से कुछ लोग यानी इंतकाल कर गए अल्लाह की राह में निकल गए और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतजार में हैं कि और क्या जिम्मेदारी आएगी कि हम बहुसन खूबी निभाए वमा बदलू तब्दीला अल्लाह ने कहा इन्होंने अपने वादा वफ़ा करने में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की और बाद मुफसरीन ने लिखा अल्लाह ने उनको जैसी बंदगी का हुक्म दिया वैसे ही किया न दीन में तब्दीली की न इल में तब्दीली की न नमल में तब्दीली की न अपने अपना अंदर तब्दीली की न दीन में तब्दीली की अल्लाह ताला की तरफ से इन सहाबा के बारे में ये गवाही है तो हमें हमें भी चाहिए कि हम अपनी जबानों को सहाबा के बारे में रोक कर रखें किसी भी सहाबी का तस्करा आए महब्बत के साथ कीजिए आले बैत रसूल में से किसी का तस्करा आए महब्बत के साथ कीजिए दिलों में नाराजगी नफरत किसी के लिए ना पैदा कीजिए और मैं ये कहूँ अगर आप एक मरतबा इस मौजू पर अगर दाखिल हो गए तो फिर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इनकी मोहब्बत आपके दिल से कैसे रुख्सत हुई इसलिए ये अल सुन्नत का जो मौकफ है अल अल्सा को अम्मा शजर साहबा के दरमियान जो भी इख्तिलाफ हो मैंने बताया बहुत छोटी बात है असल में उस इख्लाफ के बारे में भी अपनी जबान को काबू में रखो यही अह सुन्नत का मौकिफ़ है और यही मुझको और आपको अपनाना चाहिए अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खुतिन को कहने और सुनने से ज़्यादा समझ कर अमल पैदा होने की तोफ़ी क़ता फ़रमाएँ आमीन वालबीन